मनासा पुलिस को मिली सफलता, अवैध हथियार के मामले में फरार व इनामी आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। देखिए मनासा क्षेत्र की विशेष खबर। नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा वर्तमान में लोकसभा चुनाव को देखते स्थायी फरारी गिरफ्तारी वारंटों की अधिक से अधिक तामील हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था, जिसके तहत नीमच जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया व मनासा एसडीओपी विमलेश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक एस के यादव के नेतृत्व में थाना मनासा पुलिस द्वारा वर्ष 2013 के अवैध हथियार के मामले में फरार 2000 रुपए के स्थायी वारंटी सहित थाना नीमच कैंट के 2014 के मारपीट के अपराध में 3 वर्ष से फरार 1000 का इनामी स्थायी भी गिरफ्तार। पुलिस थाना मनासा के वर्ष 2013 में पंजीबद्ध अवैध हथियार के मामले में आरोपी तेजुनाथ पिता बाबूनाथ उम्र 48 वर्ष निवासी नीमच सिटी का माननीय न्यायालय में नियत पेशी दिनांक को प्रस्तुत नहीं होकर फरार हो गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 में आरोपी का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिस पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जो आज दिनांक को मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी तेजुनाथ पिता बाबूनाथ उम्र 48 वर्ष निवासी नीमच सिटी को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार थाना नीमच कैंट के 2014 के मारपीट के अपराध में 3 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी पुष्कर पिता शंकरलाल मेघवाल निवासी खजूरी का माननीय न्यायालय में नियत पेशी दिनांक को प्रस्तुत नहीं होकर फरार हो गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में आरोपी का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिस पर 1000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जो आज दिनांक को मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी पुष्कर पिता शंकरलाल मेघवाल निवासी खजूरी को गिरफ्तार किया गया। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी मनासा व उनकी टीम उप निरीक्षक नीलेश सोलंकी, उप निरीक्षक तेज सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक डीएस तिवारी, आरक्षक अनिल ढाकर, धर्मेंद्र सिंह, आरक्षक विवेक धनगर, आवश्यक राघवेंद्र, आरक्षक दीपक सेन का विशेष योगदान रहा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज।